21,500 के नोटिस बनाए हैं। पहला झटका सरकार ने दिया, दूसरा झटका होता है जैसे ही मंडी में 1050 में हमारी सोयाबीन बिक जाएगी। और सोयाबीन किसान भाइयों आज 2200 किसानों के सम्मान में खड़े और हमको हाथ डाल करना पड़ेगी। आप क्या समझते हाथ खड़े करना इसीलिए मैंने सार्वजनिक रूप से सभी किसानों के मध्य घोषणा की है कि जिस किसान को 10,000 न मिले मेरे स्टाफ को एक लिखित में ये दे देगा कि किस संस्थान को उसने गेहूँ अपनी फसल बेची है और 10,000 नहीं दे रहा, मैं तत्काल उसका लाइसेंस निरस्त कर। मैंने संयुक्तागंज में कई व्यापारियों को नोटिस दिए थे, रुचि सोया का पेमेंट लेट हो रहा था, आज उसको फिर चेक करेंगे हम, यदि लेट होता तो उसका भी निरस्त कर। नहीं नहीं, जिनकी शिकायतें मिली थी उनको सबको सचेत कर दिया गया एक बार और अब उन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, यदि पेमेंट उनकी वजह से लेट है तो उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। पर बैंक के RTGS में भी दिक्कत आ रही है, कई बैंकों के जो कोड नंबर हैं वो गलत ओ लिखा है या जीरो लिखा है समझ में नहीं आता, उसकी वजह से भी विलंब हुआ है। इस योजना भावांतर को बंद किया जाए और जो सरकार ने 3050 का जो समर्थन मूल्य हमारा जो घोषित करा है उसमें हमारी सोयाबीन खरीदी जाए, ये प्रमुख मुद्दा आज का जो है कि आज 2200-2300 रुपये में बिक रही है और 200 रुपये मात्र हमारे किसान के खाते में आएंगे एक क्विंटल के, और उसके चक्कर में हमारा 500 से 700 रुपये का नुकसान हो रहा है। हमको यही जानकारी है अभी सब किसानों को कि अभी हमको 2200 भी बिकेगी तो 850 सरकार दे देगी, पर ऐसी बात नहीं है। दो महीने जब निकल जाएगी फसल तब क्या होगा, इसमें ये हुआ है सिर्फ भावांतर के चक्कर में मिल मालिक और व्यापारियों की मिली भगत हो गई है, उन्होंने मोनोपाली कर लिया कि 200-300 रुपए में किसान का अपन माल सस्ता खरीदो और 200 रुपए इनको सरकार दे रही है। तो प्रमुख मुद्दा हमारा यह था, नंबर दो कि खेती किसानी से हम जुड़े हैं, दूसरा मुद्दा हमारा था कि साल अगर सरकार ने सोयाबीन कम हुई और पानी कम गिरा उसको सूखा माना है तो समर्थन मूल्य तो खरीदना ही खरीदना है, बिजली के बिल भी हमारे साल के माफ होना चाहिए। हमने खेती खर्च का जो ऋण लिया था वो इस फसल के पे लिया था हमने, और ये फसल ही हमारी अगर पीट गई तो हम वो कृषि ऋण कहाँ से देंगे। तो ये हमारी तीसरी मांग है कि 0% पर हमको नया ऋण दिया जाए और इस साल का जो हमारा कृषि ऋण है उसको माफ़ किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो है, 2 साल से प्रधानमंत्री बीमा पॉलिसी जो लागू हुई है उसमें ये नियम है कि जिन किसानों की अगर फसल खराब होगी 15 दिन के अंदर उनको 25% का जो है अनुदान राशि उनके खाते में आ जाएगी। एक महीना हो गया वो भी 25% भी नहीं आए, वो बीमा 25% और तुरंत जो है 2 महीने के अंदर अंदर हमारे सबको जो खाते में। अभी हमने 50,000 साहब सरकार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 50,000, और यहाँ के SDM साहब और यहाँ के मंडी सचिव बोल रहे हैं कि हम तो 10,000 देंगे, और 10,000 में जब किसानों से पूछा तो कि 10 रुपये भी नहीं मिल रहे, 10,000 उन्हीं किसानों को दे रहे हैं जो 3 बोरी लेकर आता है यहाँ पे। तो अगर किसान के 3-3 बोरी बेचने आएगा यहाँ पे तो हमारी तो मांग हमने आज ज्ञापन में संपूर्ण रखी है कि संपूर्ण हमको नगद में भुगतान किया जाए, और मुख्यमंत्री की ये झूठी घोषणा जो है 50,000 की, इसमें आप सबके सामने है कि 50 रुपये भी नहीं मिल रहे, तो हमारी तो मांग है, हम तो संपूर्ण मांगेंगे नगद, जितना माल लेकर आए हम, हमको 10,000 से नहीं मतलब है।